तो गाइज अपना पावर टिलर रिवील हो रहा है, हो गया रिवील। आज हम इसका इंजन ऑयल बदलेंगे। यहाँ पे इसका ये निजर निकाल देंगे, पालिया निकालने का ये निकाल दिया है हमने। और आज ब्लेड भी बदलेंगे, ये ब्लेड भी चेंज कर देंगे, दूसरे लगाएंगे कीचड़ वाले। तो गाइज ये मैंने ब्लेड खोल दिए हैं पूरे, और यहाँ पे ये दूसरे आ भी गए हैं, इसको लगा देंगे। ये गाइज नौ अलग अलग होते हैं, ये नौ और ये नौ अलग अलग होते हैं। एक मैंने लगाया है, ये लगा दिए हैं, और यहाँ पे फिट कर रहे हैं अभी बॉल्ट इसके। यहाँ पे इसका ग्रीसिंग करेंगे अब इस वाले एक्सल का। तो ये साफ करेंगे पहले डीजल से ये। तो गाइस धोके बाद इसमें ग्रीस लगा देंगे। गाइस ये मैंने इंजन ऑयल वाला खोल दिया है इसका नीचे से। इसमें एक बॉल्ट खुल नहीं रहा था, और अभी बारिश आ रही है यहाँ पे तगड़ी वाली। तो ये पूरा मैंने डीजल से साफ किया है, अब इसको ले जाएंगे खिरगाम। ये नीचे पूरा ऑयल ऑयल हो गया है, अभी खिरगाम जाएंगे। अभी पास पिलर खड़ा कर दिया है ऑयल निकालने के लिए। और इसमें मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, ये वाली, इसमें ऐसे लगाओ और फिर छोड़ दो लॉक, बहुत बढ़िया लगी मुझे चीज़ से। पहले मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा वाला। ये ऑयल है का फिल्टर है मुझे लगता है। तो गाइस अभी ये वाला बोल्ट खोल लाए हैं हम, और ये डीजल फिल्टर लाए हैं टेम्पो लाइफ का, ये 90 रुपये का हमें पड़ा है, ये लगाएंगे। तो गाइस ये मुझे ऑयल फिल्टर लग रहा है, तो हम इसको लगा देंगे इंजन में, और फिर बाद में ऑयल डाल देंगे। और ये रहा अपना डीजल फिल्टर। तो गाइस कुछ इस तरह का डीजल फिल्टर है ये, इसको भी डालेंगे बाद में, पहले ऑयल वाला फिट कर देंगे। तो गाइस अभी ये फिट कर रहे हैं ऑयल वाला फिल्टर, इसमें 2 बोल्ट हैं, ये फिट लगा देंगे तो फिट हो जाएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको फिट कर देता हूँ। तो गाइस इसको फिट कर दिया है, अब ऊपर का ढक्कन लगा देंगे, और यहाँ पे ये वाइशर रख देंगे, और फिर बाद में लॉक लगा देंगे। इसका लॉक मुझे बहुत बढ़िया लगा ये वाला, कुछ नहीं इसमें ऐसा करके दबा दो और फिर छोड़ दो और दबा दो, और मुझे बहुत बढ़िया लगा ये वाला। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तभी इसको हम नीचे लगा देंगे पावर टिलर में। ये बॉल्ट भी लगा दिया है मैंने 2 ऑयल वाले, और इसको यहाँ पे लगा देंगे ये अंदर। तो आपको दिखाता हूँ लगा के। तो दोस्तों अभी हम इसमें कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल डालेंगे। ये हम इसमें 2.5 लीटर इंजन ऑयल डालेंगे कैस्ट्रोल का। पहले हमने मैक का डाला था, तो वो हमने निकाल दिया है, अब कैस्ट्रोल का डालेंगे। ये मैं 1 लीटर डाल दूंगा, ये 2.5 लीटर लाए हैं हम। ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि घर बहुत सारे लोग थे तो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए। तो आपको ऑयल
डाल के बाद में दिखाता हूँ। नीचे 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 नहीं। तो अभी हमने इंजन ऑयल डाल दिया है, ये छोटा वाला डाल दूंगा, ये 500 ml है, अपना 2.5 लीटर हो जाएगा। ये पापा ने जुगाड़ लगाया है, देखिए। तो पापा ने अभी इसको ग्लूकोज लगा दिया है, दवा खाने वाला ये। तो गाइज अभी डीजल फिल्टर इसका चेंज करेंगे, अच्छा होगा तो नहीं करेंगे, नहीं तो ख़राब हो गया होगा तो चेंज कर देंगे। ये डीजल मैंने निकाल लिया है फिल्टर में से और इसको खोल देंगे। ये हमने अभी ही बदला था इसलिए खोल के देख लेंगे कैसा है वो, अच्छा होगा तो नहीं बदलेंगे वरना बदल देंगे, नया डाल देंगे वो लाए थे वो। ये डीजल निकल रहा है, ये डीजल निकलने के बाद खोल देंगे ऊपर से। बस तो गाइस अभी सब कुछ रेडी हो गया है, अभी अपना पावर टिलर रेडी हो गया है खेती के लिए। तो गाइस मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है संडे और हमने पावर टिलर में फ्राइडे को ऑयल डाला था पावर टिलर में, तो आज 3 दिन हो गए हैं। हमारा पावर टिलर कल चला था खेत में, वो बारिश आ रही थी तो कुछ लोग धान रोपने के लिए रहे थे, तो पावर टिलर अपना 2 दिन चल चुका है, आज भी चला है। वो ब्लॉग आएगा 2 दिन बाद क्योंकि अपलोडिंग में टाइम होता है, क्योंकि 2 दिन मेरे निकल जाते हैं अपलोडिंग में। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।